गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा देखो, आपका जो वर्क बुक में अभी यूनिट वन आपका नहीं किया है ना, तो आप देखो यूनिट वन, डोंट बी स्टूपिड दिया है बेटा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी जो ये वाक्य दिए गए हैं उनमें आपको जो सही है वो आपको चूज करके लिखना है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ, इस स्टोरी में या इस कहानी में थ्री फ्रेंड्स थे। आपको ए वाला लिखना है यहाँ पे। स्टोपिड लॉर्ड हिज लाइफ बिकॉज, जो स्टोपिड था उसने अपना जीवन क्यों गंवाया था, क्योंकि इसमें आपका सही है बी, ही डिड नॉट फॉलो क्लेवर्स एडवाइस। यानी उसने जो क्लेवर थी उसकी सलाह नहीं मानी थी, तो आपको बी ऑप्शन इसमें भरना है। वर्ड्स ऑफ क्लेवर फ्रेंड मेड हिम, यानी जब क्लेवर ने अपने दोस्तों की बातें को सुना था या शब्दों को सुना था तो उसको कैसा लगा था, तो इसमें आपको बी भरना है। फिर देखो बेटा, हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंस, ये यानी जो वाक्य दिए गए हैं वो किसने बोले थे। राइट देयर नेम्स, यानी उनके आप नाम लिखो। वी विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, यानी इससे हमें बहुत सारा धन मिलेगा। ये किसने कहा था, ये कहा था आदमियों ने, है ना। तो यहाँ आपको मैन भरना है ना। वी सेल कम टुमारो विद अ बिग नेट, हम यहाँ कल आएंगे एक बड़े जाल के साथ। ये भी किसने कहा था, ये भी आदमियों ने कहा था। फिर आई विल बी सेफ, हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे। ये किसने कहा था, ये लेजी ने कहा था। वाट बिग मैन से दे नेवर डू, बिग मैन से आदमियों ने क्या कहा, दे नेवर डू, हम वो नहीं करेंगे। क्या किसने कहा था, स्टूपिड ने। दिस लेक इज फुल ऑफ फिश, इस झील में तो बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, तो किसने कहा था, ये आदमियों ने कहा था, है ना। तो आपको यहाँ पर फिर उसके बाद है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ फॉर्म द लेसन, जो आप ये पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि ये पैराग्राफ तो उसी से है जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है। पूरा पैराग्राफ की मैंने चैप्टर भी पढ़ाया है, आपने उसकी मतलब हिंदी भी मैंने समझाई है, तो इसी पैराग्राफ से आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं। आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चन है, इससे ये वाले दिए हैं। तो क्या दिया है, व्हाट वर द फिश कॉल्ड, यानी मछलियों को क्या कहकर बुलाते थे, द फिश वर कॉल्ड क्लेवर लेजी एंड स्टूपिड, यानी क्लेवर और लेजी और स्टूपिड, तीन मछलियाँ थी ना, तो उनको एक को क्लेवर और एक को लेजी और एक को स्टूपिड कहकर बुलाते थे। हु हर्ड द मैन टॉकिंग, यानी कि ये आदमियों की बात या आवाज़ किसने सुनी थी, बात करते हुए टॉकिंग, यानी आदमियों की बात करते हुए किसने सुना था, कौन था जिसने सुनी थी। तो एक क्लेवर हर्ड द मेन टॉकिंग, जो क्लेवर थी उसी ने तो सुनी थी ना आदमियों को बातचीत करते हुए। देखो बेटा इधर, हु डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द लेक, वाई ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द लेक, यानी कौन नहीं छोड़ना चाहता था झील को कौन नहीं छोड़ना चाहता था और क्यों। तो क्लेवर तो छोड़ना ही चाहती थी, कौन नहीं छोड़ना चाहता था, स्टूपिड और लेजी, ये दोनों नहीं छोड़ना चाहते थे, लेजी एंड स्टूपिड, बिकॉज वांट टू दे हैव लिव्ड हेयर फॉर लॉन्ग एंड डोंट वांट टू लीव दिस प्लेस। यानी वो क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे, वो दोनों बोल रही थी कि यहाँ पे हम लंबे समय से रहते हैं, तो इस जगह को हम नहीं छोड़ेंगे या इस झील को छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर देखो बेटा, आपका है आंसर द क्वेश्चन, सेलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट ए बी और सी और डी इन। ठीक है, कितने हैं, ए बी सी है ना, तो उसमें से आपको एक चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द नेम ऑफ ए फिश, यहाँ पे
तीनों मछलियों के नाम दिए हैं, क्लेवर का भी दिया, लेजी का भी, स्टूपिड। आप उसमें से आपको ये पूछा गया है कि एक नाम इसमें ऐसा भी दिया है यानी जो इसमें नहीं है मछलियों के नाम में, तो डम नहीं था, ये तीनों तो थे, तो आपका इसका होगा बी। फिर है हु हर्ड द पीपल टॉकिंग, हु हर्ड द पीपल टॉकिंग, लोगों ने लोगों की बातें किसने सुनी थी, क्लेवर ने, लेजी ने, स्टूपिड ने, ऑल यानी सभी ने, नहीं क्लेवर, आपका हो जाएगा क्लेवर यानी क्लेवर ने सुनी थी। हु डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द लेक, हु डिड नॉट वॉन्ट टू लीव यानी कौन झील को कौन नहीं छोड़ना चाहता था, कौन नहीं छोड़ना चाहता था, तो लेजी नहीं छोड़ना चाहते थे ना। वी सेल कम टुमारो विद ए बिग नेट, वी सेल कम टुमारो, हम यहाँ कल आएंगे। हु सेड दिस, किसने कहा था, ये आदमियों ने कहा था कि हम बड़े जाल के साथ में कल आएंगे, तो आपका इसमें डी ऑप्शन आपका राइट है। वी हैव टू गो अवे क्विकली, वी हैव टू गो अवे, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। हु सेड दिस, ये किसने कहा था, तो क्लेवर ने कि लेजी ने कि स्टूपिड ने कि मैन ने, तो ये कहा था क्लेवर ने, क्लेवर ने ही तो एडवाइस दी थी कि मैं यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। फिर इसके बाद आई हैव लिव्ड हेयर फॉर लॉन्ग, हु सेड दिस, ये किसने किसने कहा था कि कौन, आई हैव लिव्ड, यहाँ हम लंबे समय तक रह रहे हैं, तो ये किसने कहा था, क्लेवर ने, लेजी ने, स्टूपिड ने या मैन ने, तो लेजी ने कहा था, तो आपका इसमें राइट होगा लेजी। उसके बाद देखो जैसे ये आपका पैराग्राफ के हिसाब से ये सारे दिए थे, उसी हिसाब से दूसरा स्टेंजा दिया यानी कि बट लेजी एंड स्टूपिड, ना ये मैंने चैप्टर तो पढ़ाया ही है, उसी में से एक पैराग्राफ दिया है, तो उस पैराग्राफ के हिसाब से ही यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, तो आपको इसमें से ही आपको लिखना है। हु डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द लेक, यानी झील को कौन नहीं छोड़ना चाहता था, तो स्टूपिड एंड लेजी नॉट वॉन्ट टू लीव एंड लीव द लेक, जो स्टूपिड और लेजी थी वो झील को नहीं छोड़ना चाहते थे। हु सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, यानी जो गुड यानी लास्ट में अलविदा कहकर कौन गया था, यानी बाय कहकर कौन गया था, उसमें से कौन, तो किस, क्लेवर ने कहा था ना, क्लेवर सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को क्लेवर ने कहा था कि मैं जा रही हूँ, आपको नहीं जाना है, तो कोई बात नहीं, उसने अलविदा करके चली गई थी। व्हाट डिड द मैन डू, जो आदमी थे उन्होंने क्या किया, द मैन कम विद बिग नेट्स एंड कैच ऑल द फिश, वहाँ पर आदमी आए बिग नेट्स, बड़ा जाल लेकर कैच ऑल द फिश, मछलियों को, सभी मछलियों को पकड़ने के लिए। What did लेजी do when he was catch? What did लेजी do? जो लेजी थी उसने क्या किया when he was catch, जब उसे पकड़ने के लिए आए, तो लेजी ने क्या किया था, लेजी was catch he lay very still, लेजी वहीं पे एक स्थित होकर हो गई थी जब उनको, जब उसे पकड़ने के लिए आए थे या पकड़े गए। What did the man think? आदमियों ने क्या सोचा जब उसको देखा कि लेजी ऐसे पड़े, तो उसको क्या सोचा आदमी ने, मैन थॉट लेजी टू बी डेड, आदमियों ने सोचा कि ये मर गई है। व्हाट डिड द मैन डू विद लेजी, लेजी के साथ आदमियों ने क्या किया, या व्हाट डिड द मैन डू विद लेजी, तो लेजी के साथ आदमियों ने फिर क्या किया, मैन टुक लेजी आउट ऑफ द नेट एंड थ्रो वे ऑन द सेंड, जब देखा आदमियों ने कि वो एकदम स्थिर थी, तो उसको रेत पर फेंक दिया, सेंड यानी रेत पर फेंक दिया। व्हाट डिड लेजी टू डू व्हेन नो बॉडी वाज लुकिंग, जब उसकी शरीर को कोई नहीं देख रहा था लेजी को, तो वो लेजी ने क्या किया था, व्हेन नो बॉडी वाज लुकिंग ऑफ लेजी स्लिप बेक इन टू वाटर एंड वाज सेफ, उसने क्या किया,
कि वो तुरंत वहाँ पानी में कूद गई। जब उसको किसी ने नहीं देखा तो वो पानी में कूद गई और वहाँ पे वो सुरक्षित रही। इसी तरीके से आपके ये दो और हैं, देखो ऑप्शन हु सेड गुड बाय, यानी गुड बाय किसने कहा था, तो क्लेवर ने कहा था, आपका ये सही है। फिर है डिड नॉट वॉन्ट टू लीव, यानी कौन झील को नहीं छोड़ना चाहता था, क्लेवर एंड स्टूपिड, सॉरी लेजी एंड स्टूपिड नहीं छोड़ना चाहते थे। वेन लेजी वाज कैच, जब लेजी पकड़ा गया तो उसने क्या किया, ही ले वेरी स्टिल, स्थिर हो गया। विच वर्ड इन पेजेस इन अपोजिट ऑफ अलाइव, यानी अलाइव होता है जिंदा रहना, तो इसका अपोजिट यानी उल्टा हमें करना है, तो इसमें कौन सा वर्ड हमारा उल्टा होगा, तो इसका होगा जिंदा होना, तो डेट हो जाएगा मरना, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा ये बी। नेक्स्ट डे बेटा आपका ये, मैं ये वाला भी करवा दूँगी तो आप लोग ये वाला पूरा कर लेना फिर, है ना। तब तक लिए बेटा बाय।